हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्रोग्राम बड़ी। तो आज हम लोग करेंगे अपनी फिफ्थ वीडियो कवर, जिसमें हम लोग कवर करेंगे इफ स्टेटमेंट, इफ और एल्स स्टेटमेंट दोनों। तो इफ और एल्स स्टेटमेंट होती क्या है, तो वो वीडियो के साथ साथ हम लोग बताता हूँ आपको कि इफ और एल्स स्टेटमेंट होती क्या है और वो वर्क किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक फाइल बना ली इफ एल्स स्टेटमेंट की, जिसको मैंने विजुअल कोड पर ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले इस फाइल में HTML का टैग बनाते हैं और उसके बाद एक स्क्रिप्ट का टैग बनाते हैं, जिसके अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट का काम करेंगे। तो इफ स्टेटमेंट करती क्या है, इफ माने मतलब अगर, उर्दू में अगर हम कहें अगर, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन हो तो ये काम करे, अगर ये कंडीशन ना हो तो ये ना काम करे। एक सिंपल सी कंडीशन है और ये कंडीशन जो है तो एक सिंपल सी कंडीशन, पर ये हर वेबसाइट में, हर एप्लीकेशन में हद से ज़्यादा यूज़ होती है। पूरी वेबसाइट इस पर ही मबनी हुई भी होती है बहुत सी जगहों पे। जैसे आप लॉगिन कर लेना, अगर यूज़र लॉगिन हो तो ये ऑर्डर कर सके, अगर यूज़र लॉगिन ना हो तो ये ऑर्डर कैसे करें। मतलब दरास भी आपको कोई चीज़ ऑर्डर करनी हो तो आपको लॉगिन होना ज़रूरी होता है। तो ये काम इस तरह करती है। अगर मैं स्टेटमेंट पर आ जाऊँ तो इसकी स्टेटमेंट बनती कैसे, इफ़ ये देखें, इफ कंडीशन ये बन गई। और अगर इफ और एल्स कंडीशन दोनों बनानी हो मुझे, इफ एल्स कंडीशन ये बन गई, ठीक है। तो मैंने इफ एल्स कंडीशन दोनों ही बना ली। अगर आप इफ रखना चाहें तो इफ भी बना सकते हैं, ठीक है। अब इसने दिया हुआ है, अभी सिर्फ इफ ही बना देता हूँ। इफ कर ली वो राउंड ब्रैकेट के अंदर कंडीशन, और फिर कर ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग अपनी कोडिंग लिखेंगे, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, कोई कंडीशन हमें यहाँ लिखनी है। इसने बताया हुआ कंडीशन हमें एक फॉर्मेट बना के दे दिया इसने इफ का, ठीक है। किस तरह, मैंने एफ लिखा, इसने एक फॉर्मेट बना के दे दिया। अब हम लोग ने पिछली वीडियो में पढ़ा प्रॉम्प्ट, तो हम लोग उससे एक एग्जांपल लेते हैं। इस स्ट्रिंग, एक वेरिएबल बनाया मैंने इस स्ट्रिंग का, जिसको मैंने ले लिया प्रॉम्प्ट, वेयर, इसमें मैंने लिख दिया भाई वेयर डज द पॉप लिव, ठीक है। वेयर डज द पॉप लिव, पॉप कहाँ रहता है, मतलब पॉप कहाँ रहता है, ठीक है। अब मैंने एक कंडीशन दी भाई कि मैंने रखी इस स्ट्रिंग इक्वल टू पाकिस्तान। अच्छा, ये इक्वल टू क्या है, इक्वल टू अगर मैं सिंगल इक्वल टू कर देता हूँ तो वो बोलेगा भाई पाकिस्तान को इसके बराबर कर दो इस स्ट्रिंग के, मतलब पाकिस्तान इस स्ट्रिंग को, सॉरी इस स्ट्रिंग को पाकिस्तान के बराबर कर दो, ठीक है। तो वो पाकिस्तान उठेगा और इस स्ट्रिंग के अंदर जाके सेव हो जाएगा। पर मुझे ये नहीं करवाना है, मुझे चेक करवाना है कि इस स्ट्रिंग जो है वेरिएबल, जिसके अंदर प्रॉम की वैल्यू सेव हुई है, वो पाकिस्तान के बराबर है। अगर है तो अंदर आओ, वरना ख़त्म पोर्ट नहीं भाई, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई अगर पाकिस्तान के बराबर हो तो अंदर आए, अब अंदर अगर आ जाए तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा। तो कुछ प्रिंट हुआ हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पॉप 11 प्लस प्लस और इस स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा देखते हैं, चला इसको, इसको मैंने ऑन किया, ये चला और देखते हैं। अब अगर मैं देखता हूँ पॉप 11, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं, अगर मैं देखता हूँ यहाँ पाकिस्तान, तो ये अंदर आ गया। इसने कहते हैं भाई पॉप 11 पाकिस्तान, पर अगर मैं लिखता हूँ यहाँ के USA, तो ये क्या देगा, नथिंग, कुछ नहीं दिया इसने। क्यों नहीं दिया, इसने इसलिए नहीं दिया कि इसके नीचे कोई स्टेटमेंट उन्होंने डाली ही नहीं। तो अगर मैं यहाँ else लिखूँ और फिर मैं यहाँ कोई स्टेटमेंट डालता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ मैं लिख देता हूँ पॉप नॉट 11, कहाँ पर इस स्ट्रिंग पॉप यहाँ नहीं है, नहीं रहता, ठीक है। अगर नहीं रहता, उसके बराबर ना हो तो क्या है, यहाँ अगर मैंने लिखा USA तो क्या है, पॉप नॉट 11 USA, पर अगर मैं यहाँ लिखता हूँ पाकिस्तान तो क्या हो गया, पॉप 11 पाकिस्तान। अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान लिखूँ जब ही आएगा, बाकी मैं कोई भी कंट्री लिख दूँ, अगर मैं इंडिया लिखूँ या कुछ भी लिखूँ, तो वो यही बताएगा कि पॉप नॉट 11, और वो जो कंट्री होगी वो राइट कर देगा। तो इस तरह इफ और एल्स स्टेटमेंट काम करती हैं।
तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आई होंगी, और इंशाल्लाह आगे हम लोग इसको और भी कवर करेंगे और भी डिटेल में जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दिएगा। तो जब तक के लिए याद दें, अल्लाह हाफिज़।